सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। आज हम इस वीडियो में उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने से पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़। यह हिमाचल प्रदेश के नौदान विधानसभा क्षेत्र में 4 बार के मौजूदा विधायक है। इसके साथ डिप्टी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होंगे और पिछले बार जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री थे। हालांकि कांग्रेस ने इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है और भाजपा को हरा दिया है। सुखविंदर सिंह सिंघू का जन्म 27 मार्च 1964 में हुआ था। उनकी हालिया उम्र 58 साल है और उनका जन्म उनके ही विधानसभा क्षेत्र नादौन हिमाचल प्रदेश में हुआ था। राजनीतिक दल उनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। उनकी 2 पुत्रियाँ हैं। 2013 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने वकीलात की शिक्षा प्राप्त की है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से। और राजनीतिक शुरुआत की बात करें तो हमीरपुर जिले के मूल निवासी सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के छात्र विंग नेशनल स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 1998 से लेकर 2008 युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक सड़क परिवहन निगम के ड्राइवर के बेटे सुक्खू की शुरुआत एक साधारण शुरुआत थी। वह अपने शुरुआती दिनों में शिमला में दूध का काउंटर चलाते थे। छोटी मोटी पोस्ट के माध्यम से आगे बढ़ते हुए 2013 से 2019 तक वह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 2003 में हमीरपुर जिले के नादौन से पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। 2007 में सीट बरकरार रखी लेकिन 2012 में हार गए और 2017 और 2022 में फिर से जीते। सुक्खू निचले हिमाचल के पहले कांग्रेसी नेता होंगे जिसमें 1966 में हिमाचल में विलय किए गए क्षेत्र जैसे नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और कुल्लू की निचली पहाड़ी शामिल है। भाजपा के प्रेम कुमार धूमल के बाद वे हमीरपुर जिले के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें जीतकर भाजपा से छत्ता छीन ली है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।